हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। अभी दोस्तों यहां पर दो तीन इवेंट निकल के आ रहे हैं जो कि इस महीने के अंदर होंगे और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आपको जानना जरूरी है और इसी से मार्केट में यहां पर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कार्डेनो को लेकर भी यहां पर जो ऑड कॉइन है उसको लेकर भी अपडेट वगैरह है, तो वो भी आप देखिएगा। बाकी हाँ, क्विक अपडेट जानेंगे बिटकॉइन के बारे में। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बीटीसी का अपडेट देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं बीटीसी का प्राइस अभी $19,700 के आसपास चल रहा है। एक जो मैंने आपको सपोर्ट बता के रखा हुआ है वो है ये वाला $18,800 के आसपास आता है और अभी यहां पर नहीं आया है। दो तीन बार यहां से प्राइस जो है वो ऊपर जा चुका है आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ अभी तक यहां पर प्राइस नहीं आई है। आशा यहां पर ये है कि अगर यहां पर प्राइस आती है तो यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। यहां पर आप देख सकते हैं दो तीन बार यहां पर गया भी है, लेकिन ये तो है डेली का। अगर यहां पर डेली में आती है तो जा सकती है, लेकिन हाँ अगर डेली के नीचे यहां क्लोज कर दिया कैंडल तो क्या होगा, तो हमें देखना होगा वीकली का कैंडल। अगर हम वीकली में देखें तो दोस्तों वीकली में जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो लगभग काफी ज्यादा नीचे है, क्योंकि आप यहां देखेंगे तो पूरा का पूरा यहां पर खाली है, कहीं भी यहां पर वीकली में सपोर्ट बनता हुआ नहीं आ रहा है। सिंपली आपको यहां पर सपोर्ट ये दिखेगा लगभग 16 या फिर 17 के आसपास। अगर इसके नीचे डेली में कैंडल क्लोज होता है तो हम इसके नीचे वाला सपोर्ट देखेंगे जो कि है 16-17 के आसपास, लेकिन वो तब देखेंगे जब ये नीचे की ओर कैंडल यहां पर क्लोज होगा। अभी तो क्लोज नहीं हुआ है, अभी तो प्राइस जो है वो इसके ऊपर ही है, 19,000 के आसपास है, तो उस टाइम देखेंगे। बाकी अगर हम बात करें यहां पर अपडेट को लेकर तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर टोटल 11 इवेंट है जो कि यहां पर एटम, लिंक, इथेरियम ये सबको लेकर अपडेट है सितंबर के महीने में। बाकी अभी मैं आपको तीन ही अपडेट बताऊंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है। पहला जो अपडेट है वो है इथेरियम मर्ज को लेकर, जहां पर जो इथेरियम है वो मर्ज होगा, तो ये लगभग 15 या फिर 16 सितंबर के आसपास होगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो सीपीआई डेटा है वो यहाँ पर निकल के आएगा 15 और 16 तारीख को, जहाँ पर जो यूएस वाले हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को शायद से दोबारा से बढ़ा सकते हैं। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि वो अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बढ़ाया नहीं है, लेकिन ये डेट है जो कि 15-16 है जहां पर वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, इसलिए वो अपना जो डेटा है वो वहां पर रिवील करेंगे और उसके वजह से हमें मार्केट में जरूर से जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर डंप हमें देखने को मिलता ही मिलता है। और बाकी दोस्तों एक तीसरा अपडेट है जो कि एमटी गॉक्स को लेकर है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो 15-16 सितंबर का जो डेट होगा वहां पर वो जो अपने बीटीसी है वो वहां पर अनलॉक करेंगे, वो यहां पर देना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि वो एक साथ सारे बिटकॉइन यहां पर मार्केट में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को देते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके देंगे, सबको एक साथ नहीं देंगे, बारी बारी सबको यहाँ पर बीटीसी मिलेगा। अगर एक साथ मार्केट में वो इतना सारा बीटीसी दे देंगे तो मार्केट तो जाहिर सी बात है नीचे होगा, लेकिन हाँ अभी मेरे को नहीं लगता कि मार्केट इसके वजह से नीचे जाएगा। अब होता भी है देना या फिर नहीं भी होता है अनलॉक, वो तो बाद की बात है। 15-16 तारीख है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बात करें ऑल्ट कॉइन को लेकर तो देखिए दोस्तों, कार्डेनो का वैसी हार्ड फॉर्क है जो कि लॉन्च होगा 22 सितंबर को, तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी कार्डेनो के होल्डर्स हैं उनके लिए, जो भी कार्डेनो को होल्ड करके रखते हुए हैं। तो ये तीन चार इवेंट है जो कि अभी सितंबर के महीने में होने वाला है। बाकी बीटीसी के ऊपर तो हमारा नजर रहेगा ही, लेकिन ये जो दो तीन इवेंट है मर्ज को लेकर, सीपीआई डेटा को लेकर और एमटी गॉक्स को लेकर, इनके वजह से मार्केट में जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर हंगामा मचेगा, तो ये चीज आप देख के रखिएगा। 15-16 और 22 तारीख डेट है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।